मौलाना अली मियां नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब मौलाना अहमद लाद साहब फारिग होकर के आए तो मौलाना अहमद लाद साहब को तीन नसीहतें फरमाई थी। मेरे अजीजों, इन तीन नसीहतों को याद कर लो। पहली नसीहत फरमाई, इत्तिबाए सुन्नत कभी ना छोड़ना, सुन्नत की इत्तिबा कभी ना छोड़ना। दूसरी नसीहत फरमाई, मेरे अजीज अहमद, हर कसो नाकस के हाथ में न बिक जाना, हर एक के हाथ में न बिक जाना। कादियानी खड़ा है तुम्हें खरीदने के लिए पैसे लेकर, रावजी खड़ा है तुम्हें खरीदने के लिए पैसे लेकर, शिया खड़ा है तुम्हें खरीदने के लिए पैसे लेकर, दूसरे दुनिया के जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले और दुनिया भर के लोग तुम्हें पैसे लेकर खरीदने के लिए तैयार हैं। तुम हर कसो नाकस के हाथ में न बिक जाना। अगर तुम बिक गए तो याद रखो, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हर एक के हाथ में न बेच। और फरमाया, जहां भी तुम काम करो अपने आप को खादिम समझना, मखदूम न समझना, इमाम न समझना, बड़ा न समझना, पेशवा न समझना, रहबर न समझना, अपने आप को खादिम समझना। अगर तुम इस तरह पर काम करोगे, खुदा तुम्हें कामयाबी अता